अरे आज भारी गिरावट देखी जा रही है सोने में। क्या वजह रही सोने के दाम में गिरावट की? क्या सोना और सस्ता होने वाला है? और अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो क्या आपको सोना इस भाव पर खरीद लेना चाहिए या और दाम घटने का इंतजार करना चाहिए? मॉर्निंग सुपरफास्ट में आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। चौतरफा गिरावट हमने नॉन एग्री कमोडिटी स्पेस में आज एकाएक बनते हुए देखी। आप कह सकते हैं एमसीएक्स पर जितने भी यहां पर मेटल्स थे, कच्चा तेल था या फिर सोना चांदी था, सब लाल निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई दिए, वो भी तब जब रुपए में आज अच्छी खासी कमजोरी देखने को मिली है। फोकस कर लेते हैं जिसकी कीमतों में हमने देखा है ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीने के निचले स्तर पर हो रहा है कारोबार, अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली और चांदी की कीमतें ऑलमोस्ट 1000 रुपए नीचे टैंक कर गई हैं। ग्लोबल फैक्टर्स ही हैं जिनकी वजह से इसमें गिरावट आई है। देखिए हमें ये भी देखना होगा कि सोना $1615 से लगभग $1940 तक एक तरफा चला था और इतना बड़ा जब एक तरफा कोई भी कमोडिटी चलती है तो उसमें थोड़ा करेक्शन आने की बिल्कुल संभावना रहती है और हमने लगभग इसमें $110 का करेक्शन हम देख चुके हैं। जो दूसरा महत्वपूर्ण कारण ये है, एम्प्लॉयमेंट के डेटा आए थे कुछ दिन पहले और कल जिस प्रकार से CPI के डेटा आए हैं, ये दोनों डेटा कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि इन्फ्लेशन अभी भी एक कंसर्न बना हुआ है और हो सकता है कि फेड अगला इंटरेस्ट रेट 0.25 की जगह पर ज्यादा बढ़ा दे और इसी वजह से मेरे हिसाब से आज हमने पूरे मेटल इंडेक्स में और खास तौर पर सोने और चांदी में बड़ी गिरावट देखी है।